हाय, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ओरियो बॉल्स। ये मैंने दो ओरियो ली है, 100-100 ग्राम की है और ये 46 ग्राम की है। ये टोटल 27 बिस्किट्स हैं तीनों पैकेट्स मिलके। अब ये मैं बीच की क्रीम अलग कर रही हूँ बिस्किट में से और उसे एक अलग बाउल में रख रही हूँ और बिस्किट्स को मैं मिक्सर में डाल रही हूँ। इस तरीके से ये सारी की सारी बिस्किट्स कि क्रीम हमें एक अलग बाउल में निकाल लेनी है। ये मैंने सारे बिस्किट्स की क्रीम, ये देखिए, एक अलग बाउल में निकाल ली है। ये पूरी 27 बिस्किट्स है तीनों पैकेट में। अब मैं इसे अच्छे से पीस लूंगी। ये देखिए, ये मैंने मिक्सी में इसे अच्छे से पीस लिया है। ये एकदम बारीक हो जाना चाहिए। और मैंने क्रीम जो बाउल में निकाली थी उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। ये हमारा ओरियो अच्छे से पीस लिया है मैंने। अब इसमें मैं 2 चम्मच चॉकलेट सिरप डालूंगी। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप चॉकलेट स्प्रेड भी डाल सकते हैं इसमें, और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है आपको। ये मैंने चॉकलेट सिरप अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 4 चम्मच दूध डालूंगी, पर आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब इसका एक अच्छा डो बनाना है हमें। ये देखिए, ये हमारा डो देखिए एकदम बनकर तैयार हो गया है। इसके इक्वल मैं 2 पार्ट कर दूंगी और फिर उसके भी मैं ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना दूंगी। ये देखिए, ये 8 बॉल्स बन गई है। मैंने इनको एक जैसा ही रखा है। अब मैं ये एक बॉल को इस तरीके से करके, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही हमें करना है। ये इसे इस तरीके से करना है। और हमने जो क्रीम ली थी जो इसके ओरियो के बिस्किट के बीच में थी, उसे हमें इसमें इस तरीके से डालकर इसे इस तरीके से अच्छे से बंद कर देना है और एक राउंड शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें बाकी के भी बॉल्स बना लेने हैं। चाहे तो आप इनके भी 8 बराबर इक्वल पार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है या इसमें बराबर से नहीं हो रहा है, तो आप इसे वापस फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, ताकि ये क्रीम एकदम अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए, ये हमारे और बॉल्स बन गए हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये थोड़े सेट हो जाए। ये मैंने डबल बॉयलर किया है, नीचे पानी है और ऊपर मैंने कांच के बाउल में चॉकलेट रखी थी जो अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए, ये चॉकलेट बॉल हमारी सेट हो गई है जो मैंने फ्रिज में रखी थी। इसे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे, ये जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी उसमें मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से कोट कर रही हूँ इस तरीके से। मैं इसे एक प्लेट में, मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था उसमें, मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ। इसी तरीके से सारे बॉल्स को हमें अच्छे से चॉकलेट में इस तरीके से रोल कर देना है। ये देखिए, ये मैंने बॉल्स को चॉकलेट में अच्छे से डीप कर लिया था और चॉकलेट अच्छे से इसमें चारों तरफ लग गई है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी वापस जमने के लिए। मैंने डार्क चॉकलेट का यूज़ किया था। आप डार्क चॉकलेट की जगह मिल्क चॉकलेट या व्हाइट चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी चॉकलेट बॉल बनकर एकदम तैयार है। मैं इसे आपको दूसरी प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। इस तरीके से सारी बॉल्स दूसरी प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी चॉकलेट ओरियो बॉल बनकर तैयार है। अब मैं इसे व्हाइट चॉकलेट से इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। मैं इसको आपको कट करके अंदर से भी बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है और क्रीम एकदम अच्छे से जम गई है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।